दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 15 जुलाई का दिन है और आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं हर की पैड़ी पहुंच चुका हूं। नाई घाट के सामने इस समय बड़ी धारा के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पहले शेयर करें, उसके बाद हम सभी मिलकर हरिद्वार के हर की पैड़ी से माँ गंगे के दर्शन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार हरिद्वार के यहां पर दर्शन भी होते हैं और यात्रा की सभी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। देखिए धनुष पुल के पास गंगा जल की धारा को देख सकते हैं। आज जल का बहाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ है जल का बहाव और सभी धाराओं में पूरा गंगा जल आ रहा है। देखिए रेलिंग के अंदर भी पर्याप्त जल मिल रहा है। बात करें मौसम की तो आज का दिन भी हरिद्वार के लिए बहुत ही गर्म रहा है। रात में बारिश ज़रूर हुई थी लगभग सुबह 3 बजे के आसपास, लेकिन आज पूरे दिन धूप भी निकली रही और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। आप सभी को लेकर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे तो गंगा जी की आरती का समय जो है नज़दीक है और इस समय हर की पैड़ी के घाटों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्शन करा सकें। यहाँ देख सकते हैं घंटाघर घाट के दूसरी साइड जहाँ पर बड़ी धारा है और बड़ी धारा में मैक्सिमम जल चल रहा है। देखिए जल में रेत की मात्रा पहले से तो काफ़ी कम हो गई है। पिछले 4-5 दिन से पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। आज के दिन हालांकि कई जगह पर अलर्ट घोषित था, काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना थी और हो सकता है पहाड़ों में आज के दिन बारिश हुई हो, और अगर पहाड़ों में बारिश हुई है तो असर भी देखने को मिल जाएगा। गंगा जल में रेत की मात्रा बढ़ जाती है और जल का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। अभी मैं चल रहा हूँ घंटाघर घाट की ओर। आज तो काफ़ी भीड़ है गंगा जी की आरती देखने के लिए, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं बैठ चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं। कलश कांवड़ देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आपके सामने कलश कांवड़ है, 4-4 कलश, एक साइड 4 कलश, दूसरी साइड 4 कलश, 8-8 कलश में गंगा जल भरकर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। सच में महान है ये कांवड़िए। अब मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ और एक मुझे कांवड़ दिखी है जिसपे 5 कलश एक साइड है और 5 कलश एक साइड है, और वो कांवड़ आपके सामने है। ये देखिए 5 कलश एक तरफ, 5 कलश एक तरफ। कलश का साइज जरूर छोटा है, लेकिन 5 कलश को लेकर, 10 कलश को एक साथ लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक चलना बहुत मुश्किल होता है। 5-5 लीटर के भी हुए तो 25 लीटर जल इस तरफ है और 25 लीटर जल उस तरफ है, 50 लीटर जल और छड़ी का वजन, कितनी छड़ी लगी है ये देखिए, कितनी बहुत सारी कलश कांवड़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हर हर भोले लिख दीजिए आप लोग, हर हर महादेव, सभी लोग लिखेंगे हर हर महादेव। अब मैं आपको मालवी घाट की ओर लेकर चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत बड़े साइज के कलश वाली कांवड़ नज़र आ रही है। ये देखिए इसमें 4-4 कलश हैं और ये जो कलश का साइज है 10-10 लीटर के लग रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं 80 लीटर गंगा जल। आज की वीडियो कैसी लग रही है? हम आपको कांवड़ यात्रा के भी सुंदर दृश्य दिखाते रहते हैं,
तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी हरिद्वार के ये सुंदर दृश्य देख सकें, माँ गंगे के दर्शन कर सकें। ये है मालवी घाट, मालवी घाट के दृश्य देखिए, और सामने है महिला घाट। ये देखिए महिला घाट है, महिला घाट में भी गंगा जी की आरती होती है और ब्रह्मकुंड घाट में भी गंगा जी की आरती होती है। अभी पूजन चल रहा है, दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर फॉलो कर लीजिए और जो भी जानकारी आपको लेनी है आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। यहां के सुंदर दृश्य देखिए, सभी घाटों में गंगा जल अच्छा लग रहा है, आज बहाव तेज है। अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं जहां पर माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई गई है, और वो प्रतिमा बीच धारा में है। आप सभी दर्शन करेंगे और सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखेंगे। ये देखिए सामने की ओर देख सकते हैं, ये है गंगा जी की एक सुंदर सी प्रतिमा, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। नीचे गंगा जल की धारा और ऊपर की तरफ है माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा। इस तरफ है भोलेनाथ जी, प्रतिदिन इस चैनल में हरिद्वार के दर्शन कराए जाते हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए, हर एक वीडियो देख पाएंगे, हरिद्वार के लगातार दर्शन आप लोग कर पाएंगे। अब दोस्तों ये छोटी सी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ऐसे ही लगातार हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी को जय गंगे माता, हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत।